अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास सब्जेक्ट मैथ, सेवन क्लास सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 9। और आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है जो कि 9.1 है। 9 चैप्टर है उसकी, 9.1 एक्सरसाइज है और इसका आज पहला लेक्चर है। ये चैप्टर इक्वेशंस के ऊपर है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए इनको हल करें। कैसे हल करना है, पहला पार्ट देखिए। 1/8 × x = 4। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 8 को देखिए डिवाइड हो रहा है, उसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 8 = 32। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट है, x − 7 = −15। ये −7 है, यहाँ पे आके +7 हो जाएगा, तो −15 + 7 − 8 आएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, x + 1 = 5, ये +1 वहाँ जाएगा −1, ये आ जाएगा 4, इसका आंसर 5 − 4 = 1 होता है। ये −6 वहाँ जाएगा +6, तो आप जब 0 + 6 करते हैं ना तो जवाब 6 ही आएगा, तो लिहाजा 0 को इग्नोर कर दें। 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों को कटिंग करेंगे, 2 × 3 = 6, तो 3 आंसर आ जाएगा। मैंने कटिंग की नहीं है, आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 3 = 3, ये 3 आंसर है। मैंने कहीं भी कटिंग नहीं की ताकि आपको नज़र साफ है। अच्छा ये क्वेश्चन देखें, ये −2 है, पहले इसको उधर ले जाएँ, +2 हो जाएगा, ऐड करें 22, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, ला के डिवाइड करें, 11 × 1 = 11, 2 = 22, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जी बच्चों 6 पार्ट देखें, 17x = 255, 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ला के डिवाइड करें। अब 17 को जब इससे कटिंग करेंगे ना, तो 17 × 1 = 17, 8 × 17, 5 = 85, तो 15 आंसर आ जाएगा, नीचे 17 × 1 =, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं अलग से। ये क्वेश्चन देखें, बल्कि ये नहीं, आप ये क्वेश्चन देखें, 7 पार्ट, 5x − 3 = 12, −3 यहाँ पे आगे +3 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो 15, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड, 15 पे 5 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यही आपका आंसर है। इसके बाद 8 पार्ट देखें, ये −x है और ये +11 है, तो हम x को उधर ले जाते हैं, ज़रूरी नहीं x इधर ही है, ये −x है वहाँ जाके +x, ये +6 है यहाँ पे के −6, 11 − 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको और कह के ना जगह तब्दील कर दें, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दें। अब ये 9 पार्ट देखें, 2x/5 = 8, 5 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, 8 × 5 = 40, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, कटिंग करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट देखें, x/3 − 7, ये −7 यहाँ पे आके +7, 2 + 7 = 9 हो जाएगा, x/3 = 9, ये अगले कॉलम में आप देखें, जी x/3 = 9, ये 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करें तो 9 × 3 = 27। इसी तरह बच्चों एक और क्वेश्चन देखें, 9x + 11 = 83, ये +11 है, इधर आके −11 हो जाएगा, तो 83 − 11 = 72 आएगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके जब डिवाइड करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट होकर 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह इससे अगला पार्ट देखें, 15, 7x + 3/2 = 19, 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 19 से मल्टीप्लाई करें, कर दिया मल्टीप्लाई, 7x + 3 = 19 × 38, ये +3 इसको वहाँ जाके −3 कर दें, ठीक है −3 करेंगे तो 35 आएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करें, अब दोनों की कटिंग करेंगे तो 7 × 5 = 35 होगा, नहायत ईजी है। पहले प्लस मैंने वाले क्वेश्चन उधर ले जाएँ, फिर जो डिवाइड हो रहा है फिर उसको, पहले सबसे पहले जो होल डिवाइड हो रहा है उसको वहाँ लेके जाएं, फिर प्लस और माइनस वाले नंबर को तो लेके जाएं, एंड पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वहाँ लेके डिवाइड करें। तो ये था बच्चों आज आपका लेक्चर, मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चन ही करवा दिए हैं, इंशाल्लाह आपने इसको नोट करना और प्रैक्टिस करनी है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।